फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम बात करने वाले हैं साइन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि जब किसी भी महिला की जो प्रेगनेंसी है अगर वो ठीक नहीं होती है, जैसे बहुत बार आपने सुना होगा कि बोला जाता है कि जो प्रेगनेंसी है वो क्या है, वो ट्यूब में हो गई है, मतलब बच्चा गर्भ में ना होके कहाँ पे है, ट्यूब में है, तो उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक सीधी लाइन में हम कह सकते हैं कि जो भ्रूण होता है उसका इम्प्लांटेशन गर्भाशय के अलावा किसी दूसरी जगह पे होना, हम उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मल क्या होता है कि बच्चा इम्प्लांट होता है कहाँ पे, गर्भाशय में। जब कोई भी महिला गर्भवती होती है तो गर्भाशय का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये गर्भाशय है और गर्भाशय के दोनों तरफ क्या होती हैं, ट्यूब्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। और यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी उंगलियां होती हैं उनके जैसी ही यहाँ पे संरचना होती है, जो जिसको हम बोलते हैं फिम्ब्रियो। और यहाँ पे होती है ओवरी, यहाँ पे होती है ओवरी, ये भी संख्या में दो होती है। तो जो महिला होती है, महिलाओं के शरीर में क्या होता है, गर्भाशय एक होता है लेकिन ट्यूब दो होती है और ओवरी भी दो होती है। तो इन दोनों ओवरी से हर महीने रेगुलर इंटरवल पे एक रिलीज होता है, मतलब अंडा निकलता है। तो जब अंडा यहाँ से निकलता है मेच्योर होके, तो ये जो फेम्ब्रियो होते हैं ये इसको कैच करते हैं और इसके बाद जो ये ट्यूब होती है, अंडा यहाँ ट्यूब में जाके रुक जाता है। तो जब महिला फिजिकल रिलेशन बनाती है तो उस दौरान जो स्पर्म होता है वो वजाइनल रूट से, यहाँ से वजाइनल रूट से सर्विक्स से होता हुआ कहाँ पहुंचता है, जो ट्यूब्स होती है वहां पहुंचता है। फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब यहाँ पे जो एग है और स्पर्म है ये दोनों मिलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इसके बाद अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ये इम्प्लांटेशन के लिए कहाँ आता है, गर्भाशय में आता है। इसके बाद ये जो गर्भाशय होता है इसी में ये इम्प्लांट हो जाता है, गर्भाशय की जो ये दीवार होती है उसमें कहीं पे भी। तो ये क्या है, ये नॉर्मल है। लेकिन जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो उस दौरान जो ये एग एंड स्पर्म के फर्टिलाइज होने से जायगोट बना है, ये जायगोट इस गर्भाशय में कहीं पे भी इम्प्लांट नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, वो इसी ट्यूब में रह जाता है किसी वजह से। जैसे हो सकता है कि ट्यूब में किसी भी तरह का संक्रमण होने की वजह से ट्यूब क्या हो गई हो, सक्रिय हो गई हो, जैसे सल्फिनजाइटिस होता है। तो सल्फिनजाइटिस में क्या होता है कि जो ये ट्यूब्स होती हैं इनमें इन्फेक्शन की वजह से सूजन हो जाती है, और सूजन जब होगी, अगर ये कोई नली है, अगर इसमें किसी भी तरह की सूजन है, तो सूजन होने की वजह से इसका जो रास्ता होगा वो कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। अब जब ये नैरो हो जाएगी तो जो ये एग है वो क्या होगा, वो फर्टिलाइज जो एग है ये क्या हुआ, ये आगे नहीं सरक पाता है और इस वजह से वहीं का वहीं रह जाता है। या फिर ये भी हो सकता है कि जो इसकी सीलिया होती हैं, जो ट्यूब्स होती है, ट्यूब में छोटे छोटे सीलिया होते हैं बिल्कुल रोए की तरह, और जब एक फर्टिलाइज हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, पुश करते हैं, इधर से जो सीलिया होती है वो क्या करते हैं, पुश करते हैं एक को किधर की तरफ, यूट्रस की तरफ, गर्भाशय की तरफ। लेकिन अगर जो सीलिया होते हैं उनकी संख्या कम होती है या फिर उनका प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता है, मतलब वो अपना काम नहीं कर पाते हैं, तो उस दौरान जो एग होता है, फर्टिलाइज्ड एग होता है, वो अपनी जगह पे ही रह जाता है, फिर वो गर्भाशय में नहीं जा पाता है। या फिर अगर जो ये ट्यूब है ये कहीं से मुड़ी हुई है तो उस दौरान भी जो एग है वो गर्भाशय में नहीं जा पाता है, और यहीं पे फिर ये वो क्या होता है, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो सेल डिवीजन की प्रक्रिया है वो तो अपने निश्चित समय अंतराल पे चलती रहती है। वो ये वेट नहीं करेगी, जो सेल डिवीजन है वो ये वेट नहीं करेगा कि वो पहले हम क्या करें, गर्भाशय में जाए उसके बाद सेल का विभाजन हो, वो तो अपने निश्चित समय पे होगा ही। लेकिन जब ये फर्टिलाइज्ड एग गर्भाशय में नहीं पहुंच पाता है, यहीं रह जाता है, तो फिर अब यहीं पे इसका विकास शुरू हो जाता है। अब अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने इस पे अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। तो जब ये बच्चा यहीं पे डेवलप होने लगता है तो इसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब इसके जो लक्षण होते हैं ये समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि कोई ऐसा लक्षण नहीं है जिससे ये पता चल सके कि महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है। इसमें भी वही लक्षण दिखाई देते हैं जो सामान्य गर्भावस्था में दिखते हैं।
सबसे पहले मिस्ड पीरियड, तो जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होगी पीरियड्स क्या होंगे, बंद हो जाएंगे, इसको हम बोलेंगे मिस्ड पीरियड, पीरियड्स महिला को नहीं आएंगे। तो सबसे पहला लक्षण यही देखने को मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे ये कंफर्म नहीं होता है कि प्रेगनेंसी इक्टोपिक है या फिर नॉर्मल है, क्योंकि अब हमको कैसे पता चलेगा कि जो बच्चा है वो यहाँ नली में ही फंसा हुआ है या फिर वो गर्भाशय में आके इम्प्लांट हो गया, ये पता नहीं चलता है। इसीलिए बोला जाता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हो, प्रेगनेंसी कंसीव होने के 1.5 महीने बाद जाके एक अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए, 6 सप्ताह कहें या फिर 1.5 महीना कहें, एक ही बात है। इस दौरान अगर अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो इससे पता चल जाता है कि जो ये जायगोट है ये कहाँ पे है, कहाँ पे इम्प्लांट हुआ है। अब अगर महिला देर करती है तो फिर वही उसके लिए समस्या हो जाती है। इसके अलावा अनदर साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के जो दूसरे साइन है वो भी दिखते हैं, क्योंकि अब हार्मोन्स तो बढ़ेंगे ही, एचसीजी जो हार्मोन्स है उसका लेवल बढ़ेगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स है उनका लेवल ऊपर नीचे होगा। इसके अलावा जो महिला के ब्रेस्ट होते हैं, स्तन होते हैं, उनमें टेंडरनेस आ जाएगी, टाइटनेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा महिला को नोजिया वॉमिटिंग की समस्या होगी, मतलब उसका जी मिचलाएगा, उल्टियां होंगी। तो ये जो छोटे छोटे लक्षण होते हैं, सामान्य से लक्षण होते हैं गर्भावस्था के, ये सभी दिखते हैं। बस ये कंफर्म नहीं होता है कि जो बच्चा है वो गर्भाशय में है या फिर ट्यूब में है, क्योंकि इसका कोई अलग से लक्षण दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा महिला को टमी पेन, अब यहाँ पे पेट दर्द की बात कही जा रही है, तो पेट दर्द नॉर्मल भी हो जाता है, तो ये इस बात का कंफर्मेशन नहीं देता है कि टॉपिक प्रेगनेंसी है तभी महिला को पेट दर्द की समस्या होगी। पेट दर्द कभी कभी नॉर्मल भी होता है, लेकिन अगर ये लगातार हो रहा है महिला को, जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हुई, बच्चा गर्भ में आया, उसके बाद से महिला को अभी लग रहा है कि नहीं उसको हमेशा पेट में दर्द रह रहा है, तो फिर उसको अपना अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए, फिर डॉक्टर से सलाह भी ले लेनी चाहिए। इसके अलावा वजाइनल ब्लीडिंग, तो वजाइनल ब्लीडिंग भी इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अगर वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो फिर इक्टोपिक प्रेगनेंसी ही हुई हो, क्योंकि जब बच्चा यहाँ रहता है, ट्यूब में रहता है, और ट्यूब्स के बाद जब वो जाता है गर्भाशय में इम्प्लांटेशन के लिए, उस दौरान भी किन्हीं किन्हीं महिलाओं को हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, तो इसको सीरियस नहीं लिया जाता है, या फिर ये इस बात का प्रमाण नहीं होता है कि महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है या फिर कोई एब्नॉर्मल है। हाँ, एब्नॉर्मलिटी हम कब मानते हैं, जब ये वजाइनल ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही हो, या फिर स्पॉटिंग हो रही है फिर बंद हो जा रही है, फिर स्पॉटिंग हो रही है फिर बंद हो जा रही है, तब ये एब्नॉर्मल होता है। इसके अलावा ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब महिला के वजाइना से डिस्चार्ज हो रहा है, और डिस्चार्ज कैसा है, ब्राउन है, भूरे कलर का है, तो फिर वहां पे ध्यान देने वाली बात है कि हो सकता है कि कोई ऐसी एब्नॉर्मल कंडीशन गर्भाशय के अंदर डेवलप हो रही है जिस वजह से ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि ये जो ब्राउन डिस्चार्ज है ये नॉर्मल नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, पेन इन टिप्स योर शोल्डर, महिला के जो शोल्डर उसका टिप्स होता है यहाँ पे उसको दर्द महसूस होता है, तो महिला ये सोचती है कि हो सकता है कि ये सोने की वजह से हो, या फिर सोने की जो पोजीशनिंग है वो ठीक ना हो, इसकी वजह से दर्द हो रहा हो, तो व्यक्ति का ध्यान इस पे नहीं जाता है। लेकिन ये बहुत ही मामूली सा लक्षण है, अगर व्यक्ति इस पे ध्यान दे तो मे बी पहले से हम इसके बारे में डायग्नोस कर सकते हैं, जान सकते हैं। नेक्स्ट क्या, डिस्कम्फर्ट व्हेन डिफिकेशन, जब महिला डिफिकेशन के लिए जाती है, फ्रेश होने के लिए जाती है, तो उसको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट, जैसे कि उसको बहुत दर्द जैसा महसूस होता है, उसका पेट भी साफ नहीं रहता है, उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। तो ये जो लक्षण होता है ये तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी होता है, अगर बच्चा गर्भाशय में इम्प्लांट हुआ है तो भी ये लक्षण देखने को मिल जाते हैं। तो इससे ये पता नहीं कर सकते कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी ही हुई है, मतलब कि जो बच्चा है वो ट्यूब में ही इम्प्लांट हुआ है, हम ये पता नहीं कर सकते। पता कैसे चलेगा, जब महिला अपने स्वास्थ्य की जांच के लिए जाती है कहाँ पे, हॉस्पिटल में, और वहां पे डॉक्टर जब स्कैनिंग के लिए लिखते हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए लिखते हैं, और जब महिला अल्ट्रासाउंड कराती है तब पता चलता है कि जो बच्चा है वो कहाँ पे इम्प्लांट हुआ है, वो नली में इम्प्लांट हुआ है या फिर जो गर्भाशय है वहां पे इम्प्लांट हुआ है, तब जाके पता चलता है। तो सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी महिला को इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है तो इसका पता हमको अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही चलता है, और हर महिला को गर्भावस्था का जो पहला अल्ट्रासाउंड है वो 6 सप्ताह या 1.5 महीने के अंदर ही करवा लेना चाहिए, जिससे क्लियरली सब चीजें पता चल जाए कि जो बच्चा है उसका हार्ट बीट आया है कि नहीं, बच्चे की धड़कन आई है कि नहीं, बच्चा सही से ठीक ठाक है या नहीं, या फिर बच्चे का इम्प्लांटेशन कहाँ पे हुआ है।
तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी हम किसको कहेंगे, अगर गर्भाशय के अलावा, ये जो गर्भाशय की कैविटी है अगर इसके अलावा कहीं दूसरी जगह बच्चा इम्प्लांट हो रहा है तो उसको हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी में रखेंगे, चाहे वो ट्यूब में हो, चाहे फिर वो यहाँ पे फेमराई में हो, चाहे फिर वो ओवरी में हो। तो ये जो ट्यूब्स होती हैं इनके भी 3 पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।